हमारी अगली परफॉर्मर की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बावजूद इनके दिल में ये डर रहता है कि आज कहीं ये एलिमिनेट ना हो जाए। और हो भी क्यों ना, कंपटीशन के इस लेवल पे कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज वेलकम शफकत की शान श्रीनिधि घटाटे फ्रॉम इंडिया। श्रीनिधि हम सबकी बहुत फेवरेट, बहुत पसंदीदा, और यकीनन इस शो की शान और जान और ऑडियंस जो आपको देख रही है वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत सो की फेवरेट हैं आप। हमारे मेंटर सामने बैठे हैं, पूछते हैं शफकत जी से क्या कहना चाहेंगे श्रीनिधि की परफॉर्मेंस से पहले। ये जो 6 कंटेस्टेंट्स आज बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये अपना अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंस उनके आने जाने से पता चलता है स्टेज पे, और श्रीनिधि का कॉन्फिडेंस हमें नजर आ रहा है पहले से, एंड आई एम श्योर शी वोंट डिसअपॉइंट अस। थैंक यू सर। श्रीनिधि, विश यू ऑल द बेस्ट। From both the mentors, Shrinidhi, आपने एक मरतबा फिर कमाल किया, और जब आप शुरू कर रही थी तो मुझे एक पॉइंट पे लगा कि थोड़ा सा कुछ घबराहट भी है। मे बी इट्स जस्ट प्रेशर ऑफ दिस एपिसोड कि अब 5 फाइनलिस्ट जो हैं वो जाएंगे ग्रैंड फिनाले में, और आप नेचुरली सबको एक थोड़ा थोड़ा प्रेशर टेंशन फील होता ही है। एक्चुअली मैं अभी मतलब ये कंपटीशन जो चालू है तो ये मेरे लाइफ की टफेस्ट कंपटीशन है, क्योंकि सारे इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, सो थोड़ा सा टेंशन है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही। और आज मैंने ठान लिया था कि दोनों जजेस को उठाने लाऊंगी मैं। क्या बात है, ये वो मुश्किल है यार। ये भी दोनों कैसे उठा। जो टेंशन था ना वो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अभी तक का आपका ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। थैंक यू सो मच। मतलब हाउ कैन अ परफॉर्मेंस बी फ्लॉलेस? मेरी दुआ का इट वाज फ्लॉलेस। श्रीनिधि, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। अनबिलीवेबल, मतलब हम मैं तो कूद रहा था यहाँ सीट पे। अनबिलीवेबल सिंगिंग। थैंक यू सो मच Shrinidhi, you know, there is a confidence that shows in your singing, and that is important for a very good singer. Singer baza bahut acha hota hai, lekin uska jo confidence hai wo lack kar raha hota hai,
और वो उसकी अच्छे सिंगिंग को भी आपके लिए अनइंटरेस्टिंग बना देता है, लेकिन बाज़ दफ़ा आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो अगले बंदे को अपने शहर में ले लेता है। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और वो नज़र आता है आपकी सिंगिंग में। यू डिड अ फैबुलस जॉब टुडे। थैंक यू सो मच। देखते हैं हमारे मेंटर्स ने क्या डिसाइड किया है कि आज कितने पॉइंट्स मिलेंगे श्रीनिधि को। शंकर जी, शफकत जी, आपने देखे कुछ कमाल के हीरे शो में चुने जा चुके हैं, पर ऐसे कई हैं दुनिया में, इन देशों के कोने कोने में छुपे हैं। शायद उन्हें मौके नहीं मिलते, सीखने के भी मौके नहीं मिलते, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनमें वो हुनर है। शंकर जी, आप बताएं कि कौन सा करेक्ट तरीका है म्यूजिक सीखने का। अरे मैं बैठा हूँ, इतना बड़ा अकेडमी खोल के बैठा हूँ ना यार, www.shankarmahadevanacademy.com। आप कहीं पर भी हो विश्व में, घर में बैठ के आप सीखिए। शुरू किया था 4 साल पहले 15 स्टूडेंट्स लेके, 4 साल बाद हम लोग 47 कंट्रीज में हम लोग शास्त्रीय संगीत सिखा रहे हैं। Wow. And we got thousands and thousands of students. और आज एक बहुत अच्छी खबर ये आई है कि बॉस्टन में बहुत एक बड़ी म्यूजिक स्कूल है जिसका नाम है बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक। आपने तो सुना होगा। Absolutely. I'm very happy to announce that Shankar Mahadevan Academy is collaborating with Berkeley School of Music. Oh my God! Wow! This is a big news. It's a great opportunity for everybody. आप लोग प्लीज इसका इस्तेमाल करो, बिकॉज आप घर में बैठ के आराम से हेडफोन पहन के ऐसा, अगर आप चाहो तो आप भी, क्योंकि इसमें पीपल जिनके पास वक्त नहीं है, जैसे कई कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं,